नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती, अभी तक कितने आवेदन पड़े हैं और क्यों अदर स्टेट को अलाउ कर दिया गया है, इसका कारण क्या है, वो सब मैं आपको बताता हूं कि अभी 13 दिन आपके बीत चुके हैं जब से आपका फॉर्म आया है, लेकिन अगर आवेदन की संख्या देखी जाए तो बहुत ही कम है। अगर जितना पोस्ट है उससे बहुत ही कम लोगों ने आवेदन किया है और कारण बहुत से हैं। जैसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं बिहार में उनकी ही संख्या कम है, जिसके वजह से आवेदन कम आए अभी 13 दिन में। तो अब और मात्र 12 तारीख शायद आपका लास्ट डेट है, तो अब 12 दिन में कितने आवेदन आ जाते अगर सिर्फ बिहार स्टेट एलिजिबल होता तो। इसीलिए यहाँ पर सभी स्टेटों को एलिजिबल कर दिया गया है कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, हर स्टेट के जो छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी देखा जाए, अभी तक जो आपके फॉर्म आए हैं 1,70,000 शिक्षक भर्ती में बिहार में, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, एक न्यूज़पेपर जो आपका है उसकी कटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आप देखोगे तो, भर्ती के लिए आवेदन मिले मात्र 36,000। 1,70,000 में आपका मात्र 36,000 आवेदन मिला है, तो बहुत ही कम है। यहां बोला गया साफ साफ कि 55,000 लोगों ने, कितना, 55,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो किया है, लेकिन फाइनल जो सबमिट है बच्चों का वो मात्र आपका क्या है, वो 36,000 लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया है, जिसमें से ये कहा गया कि 2,000 जो बच्चे हैं वो नियोजित शिक्षक हैं, मतलब पहले से जो कहीं ना कहीं का टीचर एज ए टीचर कार्य कर रहे थे, तो वो 2,000 ने तो रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन में मात्र नियोजित शिक्षक में 1,400 लोगों ने क्या किया है, फॉर्म को सबमिट किया है पूरी तरह से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे ही आपका आवेदन जो अगर रहा तब तो बहुत दिक्कत हो जाती, इस वजह से अदर स्टेट को भी अलाउ किया। अब देखते हैं कि आज से जब से स्टेट अदर स्टेट से अलाउ किए गए हैं तो आने वाले ये 12-13 दिनों में कितने आवेदन जो है, हो सकता है कि कुछ डेट भी आपका एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि समय जो है अदर स्टेट वालों के लिए 12-13 दिन का ही मिला है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जब सभी स्टेटों को आवेदन करना है तो अब संख्या इसकी बढ़ेगी। तो यहां देखिए बोला गया कि 1 से 5 तक जो ये वैकेंसी है, 9 से 10 तक, इनमें जो आहार्ता मांगी गई है, सबसे बड़ी बात तो यहां पर आ जाए कि क्यों फॉर्म जो है कम आ रहे हैं, उसके कारण एक है कि यहां पर देखा जाए तो जो एस्टेट पेपर एक है, जो जिसके लिए आपको क्लास 9th और 10th का अगर टीचर आपको बनना है, 32,000 वैकेंसी है, प्लस वैकेंसी है 33,000 मान के चलिए, और उसके लिए आपका एस्टेट पेपर, जो बिहार में 2 पेपर होते हैं, एस्टेट 1 होता है, एस्टेट 2 होता है, एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं बिहार में वो बहुत कम है, मात्र 85,000 लोग हैं। ठीक है, 32,000 वैकेंसी पर 85,000 लोग ही सिर्फ एस्टेट पेपर क्वालिफाई किए हैं, तो इतने ही फॉर्म भर पाते, मैक्सिमम इतना ही फॉर्म डलता है, अगर आपका डलता तो। उसमें भी कुछ लोग कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो हो सकता है किसी में सिलेक्शन हो गया हो तो नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन इतने ही लोग अभी तक क्वालिफाई किए हैं, तो 9वीं और 10वीं ये ध्यान रखिएगा। और बाहरी स्टेट के लिए भी तो ये गड़बड़ ही है, बाहर के स्टेट के जो जनसंख्या बढ़ेगी वो 9, 10, 11, 12 में नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो प्राइमरी में बढ़ेगी। ठीक, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो एस्टेट का क्वालिफिकेशन लगाया है, अगर एस्टेट को हटा दिया जाता है तब बिहार के भी कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2019 के बाद कई विषयों के एस्टेट पेपर आपके नहीं हुए, मतलब पेपर ही नहीं हुआ एस्टेट का, इस वजह से जो इधर फ्रेशर बच्चे हैं वो, उनके पास डिग्री तो है, बीएड है, वे आपका मास्टर डिग्री भी है, ग्रेजुएशन भी है, लेकिन वो एस्टेट नहीं कर पाए, इस कारण वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, तो यही करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को पूरा अगर देखा जाए, बिहार के बच्चों को बारे में सोचा जाए, बाकी आप सभी के बारे में सोच रहे हैं, सबकी ओपन सबके लिए किए हैं, अगर सभी राज्य के लिए, तो आप भी सोच रहे हैं 9, 10 और 11, 12 में यूपी या किसी राज्य का बच्चा एस्टेट तो देगा नहीं, तो उस एस्टेट की जो क्वालिफिकेशन हो अगर उसको हटा दिया जाता है तो वो सभी के लिए कहीं ना कहीं उचित होगा। तो बच्चे इसके पे भी डिमांड कर ही रहे थे, अब देखते हैं क्या करता है। उसके बाद से अगर पेपर दूसरी की बात करें, जो पेपर 2 है आपका एस्टेट का,
उसको मात्र 54,000 लोग बिहार में क्वालिफाई किए हैं, 54,000 लोग, और वैकेंसी कितनी है 57,000 है 11-12 के लिए। तो आप देख रहे हो कि उस भरने वालों की मैक्सिमम संख्या अगर सिर्फ बिहार रहता तो 54, और अभी भी वही रहेगा क्योंकि बदर स्टेट एस्टेट पेपर तो देने नहीं जाएगा बिहार का, जाहिर सी बात है। तो इनमें तो कंपटीशन ही नहीं है, 11, 12 और 9, 10 के टीचर में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उसमें भी अदर स्टेट का खोल भी दिया गया है तो बच्चा तो बिहार एस्टेट वाला ही लिया जाएगा ना, अगर एस्टेट को हटाएगा तब जाके कंपटीशन बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी में, जहां आपकी 80,000 भर्ती है उसमें 2,50,000 अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो बीटेट और सीटेट पेपर क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें एक बार कहा जाए तो ज्यादा संख्या है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है जितनी वैकेंसी है, ठीक है, उसके बाद से आपका एग्जाम होगा। तो ये इसमें संख्या आपकी क्या होगी, बढ़ेगी जैसे अदर स्टेट जो अप्लाई करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले सीटेट के बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे, और वो संख्या जो है आपका कंपटीशन प्राइमरी के टीचर के लिए आपका बढ़ जाएगा। तो अगर बिहार के बच्चों के कल्याण करना है, जाहिर सी बात है कक्षा 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं, चाहे अदर स्टेट को आप ले रहे हैं, तो इस बात को इस पॉइंट पर जरूर कंसीडर करिए कि जो एस्टेट है वो तो सभी ने तो दिया नहीं होगा, इसलिए अगर अदर सभी के लिए खोला गया है ये पोर्टल तो जाहिर सी बात है एस्टेट की जो वरीयता है इसे भी खत्म किया जाए, ताकि जो बिहार के नए बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी बाकी 9, 10 और 11, 12 के टीचर के लिए भी अप्लाई कर सके। तो चलिए इसी के साथ, कोई और नोटिफिकेशन हमें पता चलेगा तो ज़रूर हम बताएंगे, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ परीक्षा प्लस में आपका प्राइमरी का निःशुल्क कोर्स चल रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लासेस जो है फ्री मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ वीडियो जो है आपको फ्री है पूरा, इसकी क्लासेस आप फ्री ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है पूरा एससीईआरटी बेस्ड प्राइमरी के लिए खासकर, ठीक है, किसके लिए, प्राइमरी के लिए, तो उसके लिए हमारे द्वारा किताबें निकाली गई हैं जो ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में है, इसे आप मात्र 399 का पेमेंट करके आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो आप 9450000 दो नंबर है आपका, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 91 29 69 70 80, इन पर आप कॉल करके संपर्क कर लीजिए, जिसके बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए। बाकी आप अपने जो प्रश्न हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।